भारतीय नौसेना का ऑपरेशनल डेमोंस्ट्रेशन आपके सामने शुरू होने वाला है। नजर उठा के देखिए, वहां महासागर में हमारे जहाज चल चुके हैं। ओवर टू द ऑप डेमो कमेंट्री टीम। देवी और सज्जनों, कविवर मैथिली शरण गुप्त जी ने कहा है कि सच पूछो तो शर्म ही बसती है दीप्ति विनय की, संधि वचन संपूज्य उसी का जिसमें शक्ति विजय की। महानुभाव, आज के इस ऑपरेशनल डेमोंस्ट्रेशन में आप भारतीय नौसेना की, भारत वर्ष की इसी विजय शक्ति की कुछ झलकियां देखेंगे। सेना की प्रासंगिकता युद्ध और शांति दोनों परिदृश्यों में है। आज भारतीय नौसेना की पश्चिमी नौसेना कमान अपने युद्ध कौशल, उभरती नई तकनीक तथा राष्ट्र की रक्षा सुरक्षा के कई आयामों को प्रदर्शित करेंगे। Ladies and gentlemen, our brave sea warriors maintain a keen vigil along our own homeland, ensuring that every Indian can pursue their dreams under an assured umbrella of peace. We will be now witnessing the demonstration by the incredibly swift Naval Immediate Support Vessel, the ISVs. The ISVs were inducted into the Indian Navy to augment coastal security. देवी और सज्जनों, अब आप तटीय रक्षा के लिए समर्पित मंच के दोनों तरफ से आ रही दो दो आईएसबीज को देख सकते हैं। इन जहाजों में ऑप्टिकल डे एंड नाइट सर्वेलेंस सिस्टम और लाइट मशीन गन लगी हुई हैं। नौसेना की हाई वैल्यू एसेट की सुरक्षा के साथ ये समुद्र तटों, प्रतिष्ठानों एवं बंदरगाहों की सुरक्षा के लिए तत्पर रहती हैं। 25 मीटर लंबी ये बोट 74 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चल रही हैं। इन आईएसवीज का नेतृत्व कर रहे हैं लेफ्टिनेंट कमांडर मोहित शर्मा। अपार्ट फ्रॉम 24/7 पेट्रोलिंग इन द हार्बर, द आईएसवीज आर आल्सो बीइंग डिप्लॉयड टू प्रोवाइड फोर्स प्रोटेक्शन टू ऑल हाई वैल्यू एसेट्स। देवी और सज्जनों, कॉम्बैट फ्री फॉल अर्थात युद्धकालीन अवतरण एक तरीका है जिससे हमारे स्पेशल फोर्सेस के जवान दुश्मन के इलाके में प्रवेश करते हैं। इस प्रक्रिया में स्पेशल फोर्सेस के जवान या मरीन कमांडोस 24,000 फीट तक की ऊंचाई से वायुयान द्वारा अवतरित किए जा सकते हैं। अस्त्र शस्त्रों से सज्जित ये जवान पैराशूट की मदद से अपने लक्ष्य पर सटीक उतरते हैं। यह प्रक्रिया दुश्मन के उन इलाकों में अपनाई जाती है जहां जमीन से प्रवेश कर पाना कठिन हो, अथवा समुद्र में जहां रबड़ की नौका भी उतारी जा सकती हो जिसे किसी भी दुश्मन, पायरेट या ड्रग माफिया को पकड़ा जा सके। लेडीज एंड जेंटलमैन, लुक अप इनटू द स्काई एज वी कैन सी अ टीम ऑफ मरीन कमांडोज ऑफ द इंडियन नेवी हैव जंप्ड फ्रॉम द ALH हेलीकॉप्टर फ्रॉम अ हाइट ऑफ 8,000 फीट एंड विल बी लैंडिंग शॉर्टली। When naval forces are deployed for a mission, we sometimes need our elite special force, the Marine Commando or MARCOS, to go in behind enemy lines. One of the many ways in which we do this is through something called combat free fall. Combat free fall is one of the most lethal modes of insertion of special forces into the enemy area by air, utilizing highly maneuverable parachutes. The special forces personnel get airdropped from a height of about 24,000 feet with a combat load and land with accuracy onto a given target. Combat free fall can be carried out from helicopters like Mi-17, Sea King and ALH, as well as fixed wing aircraft like C-130, AN-32 and Dornier. This daring method is used against heavily guarded enemy areas where land penetration is impossible, or at sea, where our brave Marine Commandos jump along with an air-droppable inflatable boats to neutralize adversaries' marine elements. महानुभावों, ऊपर आकाश में नजरें गड़ा कर रखिए। इस समय भारतीय नौसेना के मरीन कमांडोज देश में बने एडवांस्ड लाइट हेलीकॉप्टर से 8,000 फीट की ऊंचाई से कूदकर हवा में लहरा रहे हैं। ये थोड़ी देर में मंच के सामने अवतरण करेंगे। आकाश मार्ग से देवदूतों की तरह आ रहे इन बहादुर मरीन कमांडोज को हमारी तालियों की गड़गड़ाहट सुनाई पड़नी चाहिए।
शूर अमी सरदार अम्हाला काय कुणाची भीती, देव देश अन धर्मापायी प्राण घेतलं हाती. असेच देशासाठी दररोज आपले प्राण हातात घेणारे आमचे धाडसी मरीन कमांडो म्हणजे मार्कोस यांचे चित्तथरारक कॉम्बॅट फ्री फॉलचे प्रदर्शन आता आपल्या समोर होत आहे. सर्वांनी कृपया आकाशाकडे लक्ष ठेवावे. The Marine Commando team is being led by Captain Anuj Sharma. The Marcos are amongst the toughest, most highly trained and professional special forces in the world. They are the lethal instruments of stealth and precision that strike deep into the enemy territory behind enemy lines. Devi aur Sajjano, ALH helicopter ki kaman kar rahe the, commanders. तथा मरीन कमांडोज का नेता अनुज शर्मा. और सज्जनों, भारतीय नौसेना का मोटो आदर्श वाक्य तैतरीय उपनिषद की एक प्रार्थना से लिया गया है. ओम शमनो मित्रः शम वरुणः शमनो भवतु अर्यमा शमनो इंद्रो बृहस्पतिः शमनो विष्णु रुरुक्रमः. इसमें शमनो वरुणः भारतीय नौसेना का मोटो है, जिसका अर्थ है हे वरुण देव, हम पर कृपा दृष्टि बनाए रखिए. बी ऑस्पिशियस ऑन टू अस. देवियों सज्जनों, जैसा कि आप देख रहे हैं, कुछ ही देर में हमारे पहले कमांडो धरती पर उतरने वाले हैं. लेडीज एंड जेंटलमैन, अ बिग राउंड ऑफ अप्लॉज टू आवर फर्स्ट मरीन कमांडो हु विल बी लैंडिंग शॉर्टली. इतनी रिस्ट्रिक्टेड जगह में इतने प्रिसिशन के साथ लैंड कर रहे हमारे इन मरीन कमांडोज के लिए आपकी तालियां रुकनी नहीं चाहिए दोस्तों. पहले मरीन कमांडोज धरती पर उतर चुके हैं और देवी और सज्जनों, कुछ ही देर बाद ये मरीन कमांडो हमारे नौसेना अध्यक्ष को स्मृति चिन्ह भेंट करेंगे. तत्पश्चात नौसेना अध्यक्ष महोदय उसे प्रधानमंत्री जी को अर्पित करेंगे. पहले कमांडो अब मंच के सामने से विशिष्ट अतिथियों की तरफ आगे बढ़ते हुए एक बार जोरदार तालियों से इनका उत्साह वर्णन करते हैं दोस्तों. लेडीज एंड जेंटलमैन, द कमांडो इज नाउ मार्चिंग ऑन टू द डायस टू प्रेजेंट द मेमेंटो. अगले दो मरीन कमांडोज आपके सामने इस समय अवतरण कर रहे हैं. जोरदार तालियों से इनका अभिनंदन करते हैं. लेडीज एंड जेंटलमैन, कीप योर आईज ग्लूड टू द होराइजन एंड वी विल शॉर्टली सी द लेटेस्ट इंट्रोडक्शन ऑफ द इंडियन नेवी, द MH-60R, हु विल शोकेस इट्स सेल्फ डिफेंस कैपेबिलिटी.
The M-60R is renowned for its sophisticated anti-submarine warfare capabilities, equipped with state-of-the-art sensors, sonar systems, and weapons technology. Ladies and gentlemen, keep your eyes glued to the horizon as we can see the MH-60R approaching the dais. देवी और सज्जनों, मंच के सामने आता हुआ हेलीकॉप्टर MH-60 रोमियो, भारतीय नौसेना में हाल ही में शामिल यह हेलीकॉप्टर अपनी सुरक्षा क्षमता का प्रदर्शन कर रहा है। इस प्रकार फ्लेयर दागकर दुश्मन को चकमा देने वाला यह विशेष हेलीकॉप्टर है। इसे कमान कर रहे हैं कैप्टन अभिषेक राम। MH-60R have left you a bit breathless, but wait till you see the rest of the demonstration. As the combat free fallers do their part of the operation, we have a small team of commandos who are inserted into critical enemy installations to either destroy or disable them, a key aspect to progress further operations. This insertion is done in many ways. Our next demonstration provides a glimpse into the airborne insertion of Marine commandos. देवी और सज्जनों, अब आप भारतीय नौसेना के हेलीकॉप्टर सीकिंग 40 द्वारा पूर्ण रूपेण शस्त्रों से सज्जित मरीन कमांडोज को स्लिदरिंग करके उतरते देखेंगे। एक रस्सी के माध्यम से ये कुछ ही पलों में हेलीकॉप्टर से किसी जहाज या इमारत पर उतर सकते हैं। आसान सी दिखने वाली यह प्रक्रिया इनके कठिन परिश्रम और सटीक प्रशिक्षण का परिणाम है। हेलीकॉप्टर इस समय 50 से 55 फीट की ऊंचाई पर होवर कर रहे हैं। छोटी रबड़ की नौका उनके नीचे है। हेलीकॉप्टर से एक रस्सी लटका दी गई है। नौका में जब इस रस्सी को पकड़ लिया जाएगा, जैसा कि अब पकड़ लिया गया है, तब 40 से 50 फीट पर आकर हेलीकॉप्टर उस रस्सी के सहारे कमांडोज को नौका पर उतारेगा। हेलो की कमान कर रहे हैं कमांडर युवराज। आइए जोरदार तालियों से इन कमांडोज को उत्साहित करते हैं। Ladies and gentlemen, the Marcos are rapidly slithering down onto the Gemini. This not only requires extreme precision from the helicopter pilot, but also rapidity from the Marcos. दूसरा हेलीकॉप्टर इस समय ऑपरेशन कर रहे हेलीकॉप्टर को सुरक्षा प्रदान करता हुआ, इस प्रकार का ऑपरेशन ALH, सीकिंग और Mi-17 जैसे हेलीकॉप्टर से किया जाता है। Ladies and gentlemen, approaching you from the front are four Geminis. They are simulating a combat beach reconnaissance and assault. Presently, they are firing flares and have lit smoke markers for ease of visualization. In actuality, this operation happens in stealth under cover of darkness. सामने से तीव्र गति से आ रही नौकाएं एक तीर की भांति आगे बढ़ रही हैं। फ्लेयर्स और स्मोक मार्कर्स का प्रयोग सिर्फ प्रदर्शन के लिए किया जा रहा है। वास्तव में यह ऑपरेशन रात के अंधेरे में दुश्मन की निगाहों से किया जाता है। मंच की दाहिनी तरफ दुश्मन की एक चौकी है, जिसमें एक भारतीय बंदर है। हमारे कमांडोज इस चौकी को नष्ट करके अपने नागरिक को छुड़ा लेंगे। दाहिनी तरफ से दो कॉम्बैट लाइट सपोर्ट वेहिकल बंदर को सुरक्षित स्थान पर ले जाने के लिए आ रही हैं। युद्ध का यह सजीव चित्रण आपको निश्चित ही रोमांचित कर रहा हो। तरफ आप गोलियों की बौछार होते हुए देख रहे हैं और दूसरी तरफ आप देख रहे हैं कि नौसेना सर्च एंड रेस्क्यू का ऑपरेशन कैसे करती है। भारतीय नौसेना आक्रमण कार्रवाई के साथ में सागर में जीवन रक्षा के लिए भी तत्पर रहती है। मंच के सामने इस समय आप जो हेलीकॉप्टर देख रहे हैं वो ALH हैं, जो सर्च एंड रेस्क्यू का प्रदर्शन कर रहे हैं। परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए रक्षा टोकरी या रक्षा पट्टिका का प्रयोग किया जाता है। इस समय बंधक को छुड़ा लिया गया है मरीन कमांडोज के द्वारा और लाइट सपोर्ट व्हीकल जिस जो बंधक को सुरक्षित स्थान पर ले जाने के लिए पोस्ट पर पहुंच चुकी है। गोलियों के बौछार के बीच सीना तान कर चरने वाले इन मरीन कमांडोज के लिए एक बार जोरदार तालियां। लेडीज
Ladies and gentlemen, the ship in front of you is INS Vinash from the Killer Squadron. The predecessor of these ships created history on the 4th of December 1971 when they rained fire onto Karachi, setting the port ablaze. Their actions are what we commemorate as Navy Day each year. We will now witness surface-to-surface missile or SSM launch demonstration by INS Vinash. The missile launch is simulated by firing flares from the missile vessel. Surface-to-surface missiles are the lethal armament used by ships to neutralize enemy surface targets above the water surface and on land. देवी और सज्जनों, अब मैं आपका ध्यान मंच के ठीक सामने दाहिनी तरफ बढ़ रही युद्धपोत की तरफ आकर्षित करना चाहूंगा। यह आईएनएस विनाश है जिसके कमान कर रहे हैं लेफ्टिनेंट कमांडर आदित्य तोमर। यह युद्धपोत सतह से सतह पर मिसाइल को लॉन्च करने का प्रदर्शन कर रही है। मिसाइल लॉन्च को फ्लेयर्स दागकर इंगित किया जा रहा है। इन्हीं किलर स्क्वाड्रन के युद्धपोतों ने 4 दिसंबर 1971 को आज ही के दिन कराची पर मिसाइल दागी थी, जिससे लगी भीषण आग पाकिस्तानी 7 दिन तक बुझा नहीं पाए थे। इसके पीछे आईएनएस विपुल है जिसे कमान कर रहे हैं कमांडर भूपेंद्र सिंह। हेलीकॉप्टर युद्धपोतों को त्वरित गति से संसाधनों को पहुंचाकर समुद्र में इनकी कार्य क्षमता को मजबूती प्रदान करते हैं। यह संसाधन कोई मशीन का पुर्जा हो सकता है, दवाएं, रसद या कोई अन्य वस्तु। इसके लिए जो प्रक्रिया अपनाई जाती है उसे वर्टिकल रिप्लेनिशमेंट वर्ट्रेप कहते हैं। अब आप चेतक हेलीकॉप्टर को आईएनएस विपुल पर वर्ट्रेप करता हुआ देख सकते हैं। चेतक को कमान कर रहे हैं लेफ्टिनेंट सिद्धार्थ। As you can see, the Chetak helicopter will carry out replenishment in front of you. This is a challenging maneuver for the pilot who has to maintain their position in the air with respect to the rolling pitching deck of the ship. Speaking of submarines, one of the most potent threats that we face at sea is the enemy submarine. Therefore, during our operations, the Indian Navy invests significant efforts in hunting these underwater predators. One of the most capable platforms for this are the Navy's anti-submarine warfare helicopters. Today, you will witness one such helicopter, the Sea King 42 Bravo, performing what we call dunking operation to detect an enemy submarine. Devi aur sajjano, समुद्र की गहराइयों में घात लगाकर छुपी हुई दुश्मन की पनडुब्बी निश्चय ही एक बड़ा खतरा होती है। एंटी सबमरीन हेलीकॉप्टर इन सबमरीन को खोजने के लिए सोनार बॉडी को पानी में उतारकर साउंड नेविगेशन एंड रेंजिंग का प्रयोग करते हैं। इसे डंकिंग ऑपरेशन कहा जाता है। सीकिंग 42 ब्रावो इस समय मंच के सामने आता हुआ ये लगभग 40 से 45 फीट की ऊंचाई पर आकर सोनार बॉडी को पानी में उतारकर सबमरीन का पता लगाने का प्रयास करेगा। The Sea King 42 Bravo carries a sonar which is used to detect the enemy lying silent underwater. In addition, the helicopter also carries sonobuoys which are used for sonic operations to detect submarines. The armament fit of the helicopter includes lethal anti-ship missiles, torpedoes and depth charges. The Sea King 42 Bravo has almost all capabilities of a warship and is known as a flying frigate. This helicopter has a crew of 2 pilots and 2 air operations officers. Devi aur sabjano, manch ke theek samne is samay INS Betwa hai, jise command kar rahe hain Captain Nitesh Garg. Is par deck landing ka pradarshan Sea King 42 Bravo kar raha hai, jiske command kar rahe hain Commander Deepak Diwan. चलती हुई जहाज में जो रोलिंग पिचिंग योइंग कर रही है यानी तीनों एक्सिस पर हिल रही है उसमें भी बहुत से छोटे से हेलीडॉक पर हेलीकॉप्टर उतारना बहुत साहस और जोखिम का काम है। देवी और सज्जनों, सिंधुदुर्ग की माटी में जन्मे और टोपी वाला हाई स्कूल मालवान में शिक्षा प्राप्त करने वाले कैप्टन मोहन सामंत, जिन्होंने भारत की तीसरी सबमरीन INS करंज को कमीशन किया और 71 के युद्ध में अपनी निर्णायक भूमिका के लिए महावीर चक्र प्राप्त करने वाले इस धरती पुत्र को सामने क्षितिज के पास भारतीय नौसेना की सबमरीन INS कंढेरी अपने श्रद्धा सुमन अर्पित कर रही है।
खंडेरी को कमान कर रहे हैं कमांडर कपिल कुमार। सबमरीन को इस समय आईएनएस विक्रमादित्य के बाईं तरफ देख सकते हैं आप। In a hostile environment, our ships are continuously under threat from adversaries from the surface of the sea, under the sea, as well as from the air. It is critical to detect and identify these threats as early as possible. As part of this effort, the Air Early Warning Helicopter KAMOV 31 acts as the eyes of the fleet against air threats. Ladies and gentlemen, on your left side, you can see KAMOV 31, also known as Flying Falcon, who will be returning to its mothership, INS Tabar, on completion of its AEW mission. देवी और सज्जनों, मंच के ठीक सामने अब INS तबर को आप देख सकते हैं, जिसकी कमान कर रहे हैं कैप्टन सुधीर कुमार सिंह। बाईं तरफ से आता हुआ हेलीकॉप्टर KAMOV 31 है, जिसे फ्लाइंग फॉल्कन भी कहा जाता है। समुद्र में खतरा सिर्फ पानी के नीचे या सतह पर ही नहीं, वरन आकाश से जहां किसी भी दिशा से दुश्मन हमला कर सकता है। इसलिए दुश्मन के हमलावर विमान को शीघ्रातिशीघ्र पकड़ना सबसे महत्वपूर्ण होता है। इसके लिए यह एयर अर्ली वार्निंग हेलीकॉप्टर KAMOV 31 अग्रणी भूमिका निभाता है, इसलिए इसे आई ऑफ द फ्लीट भी कहा जाता है। KAMOV 31 अपना मिशन पूरा करके मदरशिप INS तबर पर वापस आ रहा है। अब आप KAMOV 31 को तबर पर लैंडिंग होते हुए देख सकते हैं। इस हेलीकॉप्टर की कमान कर रहे हैं कमांडर पंकज स्वैन। The Indian Navy clearance divers led by Lieutenant Abhideep Lamba are approaching their target, which is a simulated offshore installation, an oil rig, a vital economic asset of the enemy. देवी और सज्जनों, अब आप भारतीय नौसेना के बहादुर क्लियरेंस डाइवर्स के साहसी करतब देखेंगे। आपकी बाईं तरफ एक पॉन्टून लगा हुआ है, जिस पर दुश्मन का ऑयल रिग बनाया गया है। नौकाओं से इन साहसी बाधा निकासी गोताखोरों को यथासंभव टारगेट के नजदीक पानी में उतार दिया जाता है। उसके बाद ये गोताखोर डाइवर प्रोपल्शन व्हीकल का उपयोग करते हुए पानी में अंदर ही अंदर तैरकर दुश्मन के अड्डे तक पहुंच जाते हैं। रास्ते में ये ऑरेंज लाइट या स्मोक हम सभी को सिर्फ इंगित करने के लिए करेंगे कि डाइवर इस समय वहां पानी के नीचे है। इस प्रकार अदृश्य रूप से पहुंचकर ये दुश्मन के महत्वपूर्ण ठिकानों को ध्वस्त कराते हैं। इस प्रदर्शन का नेतृत्व कर रहे हैं लेफ्टिनेंट अभदीप लांबा। The clearance divers of the Indian Navy in their combat role undertake underwater sabotage attacks on enemy ships inside the harbor and vital offshore installations. Ladies and gentlemen, the team of clearance divers have set up their explosive charges on enemy oil rig to destroy it. The team is also ensuring that they get to a safe distance from the target before explosion occurs. देवी और सज्जनों, क्लियरेंस डाइवर्स ने दुश्मन की ऑयल रिग पर बारूद लगा दिया है। अब वो पानी की सतह के नीचे से होते हुए सुरक्षित स्थान पर जाने के लिए अपनी नौकाओं के पास वापस आ रहे हैं। एक बार जब ये नौका पर सवार हो जाएंगे तो वो नौकाएं उन्हें सुरक्षित दूरी पर लेकर जाएंगी। तत्पश्चात रिमोट से दुश्मन की चौकी ऑयल रिग नष्ट कर दी जाएगी। So ladies and gentlemen, hold your breath and witness the effect of the explosion. बाधा निकासी गोताखोर इस समय अपनी नौकाओं पर सवार हो चुके हैं और ऑयल रिग से सुरक्षित दूरी पर निकलने के लिए एक बार ये सुरक्षित दूरी पर पहुंच जाएंगे, उसके बाद रिमोट कंट्रोल से दुश्मन की ऑयल रिग को नष्ट किया जाएगा।
how we do it. Ladies and gentlemen, a big round of applause to our underwater warriors who have successfully destroyed the enemy oil rig. Devi aur sajjano, hum shanti ke pujari bhi hain aur yuddh ke vijeta bhi. Hato va prapasi swargam, jitva va bhoksh se mahim, tasmat uttishth kaunteya yuddhay krit nishchaya. आवश्यकता होने पर निश्चय पूर्वक युद्ध करने की सीख हमें स्वयं भगवान श्री कृष्ण ने गीता के इस श्लोक में दिया है. इसलिए युद्ध के लिए तत्पर रहना हमारा कर्तव्य भी है और धर्म भी. Ladies and gentlemen, now you will witness a quick extraction, that is to pick up own troops by seeking 42 Charlie helicopter. Speed, surprise and stealth are the core requirements for success in any special operation. Very soon you will witness the Marcos being extracted. Devi aur sajjano, agla pradarshan sty ops hai jisme small team insertion aur extraction kiya jata hai. Ab aap bhartiya nausena ki commando flight seeking 42 charlie ko manch ke theek samne dekh sakte hain. Iski kaman kar rahe hain commander Yuvraj. Kuch der pehle jin commandos ne dushman ki chauki ko nasht kiya tha, अब यह हेलीकॉप्टर एक रस्सी के माध्यम से सभी को बड़ी तेजी से दुश्मन के इलाके से निकाल ले जाएगा. हेलीकॉप्टर से रस्सी मिलते ही ये कमांडो अपनी स्ट्रैप को उसमें फंसा देते हैं. जब सभी तैयार हों तो ऊपर पायलट को संकेत कर दिया जाता है. तत्पश्चात सभी जवान पेयर में जोड़ी में उड़ चलते हैं. इस प्रकार पूरी सतर्कता के साथ हर दिशा में एक दूसरे को कवर देते हुए ये जवान सुरक्षित जगह पर ले जाए जाते हैं. दूसरा हेलीकॉप्टर इस समय ऑपरेशन कर रहे हेलीकॉप्टर को सुरक्षा प्रदान करते हुए. STY is an acronym for small team insertion and extraction. This method is used where the helicopter cannot land to pick up the commandos either due to lack of time or lack of a suitable landing area. STY rope इस समय रबड़ की नौका पर पकड़ ली गई है. इसमें कमांडोज अपने स्ट्रैप को फंसा रहे हैं. एक बार वो तैयार हो जाएं तो ऊपर पायलट को इंगित कर दिया जाएगा. तत्पश्चात ये सारे हवा के साथ हेलीकॉप्टर के साथ उड़कर सुरक्षित जगह पर जाने के लिए निकल पड़ेंगे. अब हेलीकॉप्टर ऊपर की तरफ उड़ान भर रहा है और आप देख सकते हैं जोड़ी में हमारे मरीन कमांडोज हवा में लहरा रहे हैं. जोरदार तालियों से इनका अभिनंदन कीजिए देवियों सज्जनों. तिरंगा ध्वजासाठी प्राण पणाला लावणारे मरीन कमांडो शत्रु सीमेपलीकडची कामगिरी फतेह करून मातृभूमीवर परततायत. चला त्यांचे जोरदार टाळ्याने स्वागत करूया. Naval aviation forms a key part of our operations to support the fleet in achieving its objectives. Ladies and gentlemen, today you will catch a glimpse of the might of the Naval Air Arm, wherein a variety of our aircraft will fly past the dais. The aircraft will approach the display area from your left side. Ladies and gentlemen, as we can see from the left side are the Chetak helicopter. The Angels, the Chetak helicopter, is a single engine light utility helicopter manufactured in India by Hindustan Aeronautics Limited at Bengaluru. Chetaks are utilized in the Indian Navy for search and rescue, coastal patrolling, and to transport passenger or equipment. The aircraft are based at almost all air bases of the Indian Navy. They can cruise at speeds of 185 kilometers per hour and can sustain up to 3 hours in air without refueling. Ladies and gentlemen, leading the flypast for the day are the Angels Chetak helicopter. It has been flown by Commander Srijit Gopal. देवी और सज्जनों, मंच के सामने आ रहे हैं चेतक हेलीकॉप्टर, जिन्हें देखकर कहा जा सकता है कि देखन में छोटे लगे काम करें गंभीर. हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड बेंगलोर में बने ये सिंगल इंजन हेलीकॉप्टर बहुत उपयोगी हैं. उनकी उपयोगिता के कारण
चेतक भारतीय नौसेना के हर बेस में है। 185 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से ये लगभग 500 किलोमीटर तक जा सकते हैं और लगभग 3 घंटे की उड़ान भर सकते हैं। इनकी कमान कर रहे हैं कमांडर श्रीजीत गोपाल। मंच के सामने से फॉर्मेशन ऑफ चेतक्स आपके सामने से गुजरता हुआ एक बार जोरदार तालियों से इनका अभिनंदन करते हैं। देवी और सज्जनों, क्रम में अगले हेलीकॉप्टर स्वदेश में निर्मित एडवांस लाइट हेलीकॉप्टर ELH हैं जो बेंगलोर में बने हैं। ELH 300 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से 700 किलोमीटर की दूरी तय कर सकते हैं। चेतक की तरह ये भी बहुआयामी और बहु उपयोगी हैं और विभिन्न प्रकार के कार्यों में उपयोग में लाए जाते हैं। ELH की कमान कर रहे हैं कमांडर धनुष मेनन। बाई तरफ नजर घुमा के देखिए अगला हेलीकॉप्टर जो आ रहा है वह है MH-60 रोमियो। ये हेलीकॉप्टर अपनी एंटी सबमरीन क्षमताओं के लिए जाना जाता है। सबसे अत्याधुनिक ये हेलीकॉप्टर हाल ही में नौसेना में शामिल किए गए हैं। इसे कमान कर रहे हैं कैप्टन अभिषेक राम। The MH-60R is renowned for its sophisticated anti-submarine warfare capabilities, equipped with state-of-the-art sensors, sonar systems, and weapons technology. देवी और सज्जनों, बाईं तरफ से मंच के सामने आ रहा है अगला हेलीकॉप्टर कामोव 31, जिसे आई ऑफ द फ्लीट भी कहा जाता है। लॉन्ग रेंज अर्ली वार्निंग रेडार की विशेष क्षमता वाला यह हेलीकॉप्टर भारतीय नौसेना की ताकत बढ़ाता है। इसकी कमान कर रहे हैं कमांडर कौशिक धर। नेक्स्ट इंफॉर्मेशन आर द सीकिंग हेलीकॉप्टर्स। दीज आर द एडवांस्ड एडली एंटी सबमरीन वॉरफेयर हेलीकॉप्टर्स। These helicopters are also known as flying frigates due to their advanced sensors and firepower. The helicopter formation is being led by Commander Deepak Diwan. Ladies and gentlemen, flying frigate Sea King 42 Bravo. हेलिकॉप्टरचे शक्ती प्रदर्शन बघूनच आश्चर्यचकित झाला असाल तर अजून काही क्षण धीर धरा, कारण आता आपल्या सर्वांना तोंडात बोटे घालायला लावणारे कर्तव्य दाखवायला येत आहेत भारतीय नौसेनेचे फिक्स्ड विंग एअरक्राफ्ट आणि फाइटर जेट्स। फॉलोइंग द सी किंग्स आर द डॉनियर एअरक्राफ्ट। दीज आर द मीडियम रेंज मॅरिटाईम सर्वेलन्स एअरक्राफ्ट। डॉनियर्स आर द वर्क हॉर्सेस ऑफ द इंडियन नेव्ही अँड आर एक्सटेन्सिव्हली यूज्ड फॉर टॅक्टिकल ऑपरेशन्स लाईक मॅरिटाईम रेकॉनिसन्स and patrolling missions all around the mainland as well as our island territories. The aircraft is indigenously built by Hindustan Aeronautics Limited and has been active in service for the past 3 decades. Leading the formation today is Captain Siddharth Rao. Ladies and gentlemen, the Dorniers. The next aircraft is the PATI Poseidon. This multi-role aircraft has proven its mettle by being the sixth sense of the fleet and has exceeded more than 40,000 hours of flying since its induction. It is a multi-dimensional lethal instrument of war equipped with torpedoes to attack enemy submarines, anti-ship missiles, and long-range state-of-the-art radar to classify each contact it encounters at high seas. Ladies and gentlemen, keep your eyes glued to the left as we can see the PATI. Ladies and gentlemen, PATI Poseidon, a big round of applause. देवी और सज्जनों, यह आकाश में चमकती हुई रोशनी इस बात का पर्याय है कि अब बारी आ गई है समुद्र में अपना दमखम दिखाने वाले फाइटर एयरक्राफ्ट की। तो क्रम में पहले आ रहा है
देश में निर्मित एलसीए नेवी जो तेजस का नेवी रूप है। ये लाइट मल्टी रोल फाइटर एयरक्राफ्ट है जो एचएल में बना है। यह अपनी श्रेणी का सबसे छोटा व हल्का परंतु सबसे घातक फाइटर है। यह नौसेना के एयरक्राफ्ट कैरियर से भी उड़ान भर सकता है। अपनी सर्वाधिक गति 2200 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार वाला ये फाइटर इसकी कमान कर रहे हैं कैप्टन अमित कावड़े। कुछ ही पलों में मंच के सामने से गुजरने आपकी बाईं तरफ इस समय आ रहा है एलसीए नेवी। आकाश में रोशनी बिखेरता हुआ एलसीए नेवी। नेवी सज्जनों कुछ ही पलों में 0.7 मैक की गति से मंच के सामने गर्जना करते हुए फ्लाई पास करने के लिए आ रहे हैं हॉक्स। ये मूलतः फ्लाइंग ट्रेनिंग और वेपन ट्रेनिंग के लिए प्रयोग में लाए जाते हैं। अपनी निगाहें बाईं तरफ ही रखिए। ये दिल को स्पंदित करने वाली ध्वनि के साथ पलक झपकते ही ओझिल हो जाते हैं। बाईं तरफ से आ रहे हैं हॉक्स। जोरदार तालियों से अभिनंदन कीजिए देवी और सज्जनों। देवी और सज्जनों अब मैं आपका ध्यान सामने क्षितिज की तरफ आकर्षित करना चाहूंगा। सूर्य की किरणों को चुनौती देती हुई MiG-29 की फाइटर स्क्वाड्रन आ रही है पैंथर्स। ये ऑल वेदर कैरियर बेस्ड मल्टी रोड फाइटर एयरक्राफ्ट हैं और INS विक्रमादित्य की सबसे बड़ी ताकत ये फाइटर्स हैं और 2009 से अपनी उत्कृष्ट सेवाएं दे रहे हैं। 2200 किलोमीटर की उच्चतम रफ्तार से उड़ने वाले इन विमानों का के कमान कर रहे हैं कैप्टन विकास नरवाल। सामने से आते हुए MiG-29 पैंथर्स। अब आप क्षितिज के पास से एक और MiG-29 के पैंथर को आता हुआ देख सकते हैं। यह युद्ध में अपने कौशल का प्रदर्शन करने के लिए फिगर ऑफ 8 नॉट का फिगर बनाने जा रहा है आपके समक्ष। निश्चित रूप से आपको रोमांचित कर रही होगी और शुरू होता है हवाई करतब। मैं इस समय अंग्रेजी का 8 आपके समक्ष हवा में बनाता हुआ संयम और कौशल की जरूरत होती है इस प्रकार का मनोवर करने के लिए। चीते की भांति हमला करने वाले ये हवाई विमान पैंथर्स अपने नाम को पूर्णतः चरितार्थ करते हैं यथा नामो तथा गुणों। अब आप चीते को एक लीप लेते हुए ऊपर देख रहे हैं। आकाश की बुलंदियों तक पहुंचने वाले ये हमारे फाइटर्स। देवी और सज्जनों हमारे जांबाज पायलट के लिए एक बार जोरदार तालियां। नाउ लेडीज एंड जेंटलमैन प्लीज वेलकम विद अ बिग राउंड ऑफ अप्लॉज द इंडियन नेवल बैंड लेड बाय ड्रम मेजर मास्टर चीफ म्यूजिशियन एंटनी राज।
सज्जनों, नेवल सेंट्रल बैंड की जोरदार तालियां। अनुशासन के प्रशिक्षण का प्रमुख माध्यम ड्रिल होगी, इसमें सभी जवान लयबद्ध होकर मार्च करते हैं। कंटिन्यूटी ड्रिल में यह बिना कमांड दिए किया जाता है। अगली प्रस्तुति समक्रमिक कर्तव्य यानी कंटिन्यूटी ड्रिल है, जिसके ट्रेनर हैं संजीत कुमार पीओजीआई तथा नेतृत्व कर रहे हैं मधुसूदन दुबे एमसीपीओ जीआई।
Ladies and gentlemen, a big round of applause to the drill team. After the dazzling performance of precision drill, marching up on stage with confident strides are the future of our country. Ladies and gentlemen, the Sea Cadet Corps. Gracias.
और सैनिक कार्यवाही के समापन का उद्घोष है, जिसका तात्पर्य एक प्रकार का आदेश है कि अब अपने बैरक की तरफ लौट जाओ। आइए ड्रम, ड्रिल और रक्षा की इस जुगलबंदी का आनंद उठाएं। प्रस्तुत है इंडियन नेवल ड्रमिंग टीम। Ladies and gentlemen, especially our friends from across the seas, surely the drummers call Set Your Path Suresi. Let us give them a big round of applause. भारतीय नौसेना के सामान्य ड्रामों का सम्मान से पूछ कर रहे हैं। हजारों साल पहले कुरुक्षेत्र के युद्ध स्थल में भी ढोल बजते थे, नगाड़े बजते थे और शंख बजते थे।
आज भारतीय नौसेना के बैंड ने उनकी इस विशेष टोली ने आपके सामने भारत की प्राचीन सैन्य संगीत प्रथा को अपने आधुनिक रूप में प्रस्तुत किया है। भारतीय नौसेना का सामूहिक बैंड सनसेट सेरेमनी यानी सूर्यास्त की प्रक्रिया के लिए मंच पे आ गया है। सूर्यास्त की प्रक्रिया भारत की प्राचीन सैन्य प्रथा है। जब सूर्यास्त के समय युद्ध विराम की घोषणा होती थी और ध्वज नीचे उतारे जाते थे। 5000 साल पहले कुरुक्षेत्र के युद्ध स्थल में भी सूर्यास्त की प्रक्रिया होती थी। जब भगवान कृष्ण सूर्यास्त के समय अपने शंख 5 जन्य को बजाकर युद्ध विराम की घोषणा का संकेत देते थे। देवियों और सज्जनों, सूर्यास्त की प्रक्रिया के तुरंत बाद राष्ट्रीय गान बजाया जाएगा। सभी दर्शकों से अनुरोध है, आप कृपया अपने स्थानों पर खड़े हो जाएं। जो लोग वर्दी में है वो सलामी देंगे। देवियों और सज्जनों, शीघ्र ही राष्ट्रीय गान के लिए तैयार हैं। कृपया अपने स्थान पर खड़े रहें। देशवासियों,
आइए एक बुलंद आवाज में आसमान को हिला दें, भारतीय नौसेना की, छत्रपति शिवाजी महाराज की, भारत माता की। सभी दर्शकों से निवेदन है कृपया अपने स्थान पर बने रहें।